बना देते हो वो ये हो गया सर। अगला काम करो अपना काम। कमलेश प्रताप सिंह जी चौहान दो बार KKC के अध्यक्ष थे, हमारे परम मित्रों में से हैं, बहुत बार हम लोग जेल में भी गए हैं पाठक जी के साथ। आज माननीय ब्रजेश पाठक जी के यहाँ आकर के इन्होंने BJP का सक्रिय सदस्यता ग्रहण किया है। क्या सर ज्वाइन किया है, क्या कहना? हम पिछले लंबे समय से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, लेकिन समाजवादी पार्टियों की जो नीतियाँ हैं उनको देख के आज हमने पाठक जी के समक्ष BJP की सदस्यता ली है। पाठक जी हमारे मित्र हैं, बचपन से हम लोगों ने साथ साथ विद्यार्थी जीवन में काम किया है और हम उनके लिए उनको चुनाव लड़ाने के लिए आज यहाँ सक्रिय हुए हैं। BJP की अच्छा नीति अच्छी क्या लगी आपको जो सुखानगढ़? BJP की अच्छी नीति ये है कि यहाँ पे कोई जातीय समीकरण नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ठाकुर ब्राह्मण बैकवर्ड सबके लिए समान भाव से देखा जाता है, जबकि समाजवादी पार्टी में एक वर्ग विशेष के लिए ही काम किया जाता है। सर आप जैसे आपने कहा कि BJP इस तरह के मामले को नहीं देखती है, सबके विकास की बात करती है, सबके साथ की बात करती है, यहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए? नहीं, ये मुख्यमंत्री ने कहीं नहीं कहा, कहा है उसके बाद 80-20 की लड़ाई है, हमें मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए। 80-20 का मतलब ये नहीं है कि हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, 80-20 का मतलब है जो आतंकवादी तबके हैं, जो विध्वंसकारी तबके हैं, जो समाज को जो विकास के पीछे ले जाना चाहते हैं प्रदेश को, उनका वो 20 से मतलब है। आपको लगता है कि विकास बहुत हुआ BJP में? जी, ये बताइए, और उसका एक उदाहरण यह है कि हम इस गांव के रहने वाले हैं, सरोजी नगर में पिपरसन गांव पड़ता है, हमारे गाँव के बगल में डिफेंस एक्सपो और हमारे गांव में ही एक यूनिवर्सिटी। अभी तक आप BJP ज्वाइन किए नहीं थे, चुनाव आने वाले थे, अभी तक अभी क्यों ज्वाइन हुआ? दूसरे चरण का चुनाव, एक चरण का बीत चुका है, दूसरे चरण का चुनाव अभी तक नहीं। हम काम कर रहे थे, हम अपने क्षेत्र में काम कर रहे थे, शहर में सक्रिय नहीं थे, बिना सदस्यता लिए काम कर रहे थे अपने क्षेत्र में। आज हमने यहाँ सदस्यता लेके, हमें लगा कि सदस्यता लेके काम करना चाहिए। BJP में शामिल हो जी, ठीक है। गोमती नगर से हूँ, मेरा ऑफिस सदर में है, मैं 24 साल से इसी जगह पे मेरा चैम्बर है, अभी सिंचाई भवन के सामने मेरा चैम्बर है। और मुझे आज भाई कमलेश प्रताप सिंह जी, जब हम लोग पढ़ते थे तो कमलेश प्रताप सिंह जी उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे, तो काफ़ी हम लोग तब भी इनके साथ थे, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी की वजह से थोड़ी दूरी बनी, आज ये हमारे साथ आ गए, तो हमें यह लग रहा है कि आज हमें एक आदमी और मिल गया, हमारे अध्यक्ष मिल गए। इनके साथ इनके उम्र से आज तक के सारे बहुत लोग इनसे जुड़े हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि सारे लोग जितने भी हैं कमलेश प्रताप सिंह जी के ज्वाइन करने के बाद वो BJP में शामिल हों, सबका साथ सबका विकास के साथ, हर व्यक्ति का, हर धर्म का, हर जाति का, कोई कैसा भी हो, गरीब अमीर, सबका विकास इस पार्टी में होता है, यहाँ किसी व्यक्ति के लिए नहीं। यही सब अच्छाइयाँ देखकर हमारे भाई आज कमलेश प्रताप सिंह जी भी यहाँ पर शामिल हुए। मैं हमेशा BJP में हूँ, जब से BJP की स्थापना हुई तब से मैं BJP में हूँ, मैं इससे पहले किसी पार्टी में नहीं था, मैं BJP में ही हमेशा रहा हूं और आज भी मैं BJP में हूं। मरते दम तक रहेंगे। बिल्कुल आए हैं हम पाठक जी को रिकॉर्ड मतों से जिताने के लिए, हम भरसक कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ कमलेश प्रताप जी हैं, शुक्ला जी हैं और GD भट्ट जी साहब एडवोकेट हैं। हम सब लोग सदर और मुरली नगर एरिया को पूरी तरह से हम लोग एक एक घर घर जा कर के जन संपर्क कर रहे हैं और भाजपा के अच्छी नीतियों के पक्ष में लोगों को मत देने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।